हेलो दोस्तों, सबसे पहले मेरा आप सभी को प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है संगीता आर्या और मैं हूँ उत्तराखंड देवभूमि उत्तरकाशी देहरादून से। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम से फिट होंगे। तो दोस्तों, आज ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है दोपहर के 1 बजे से। और ये देखिए, पीछे है मेरी ललन देवू। तो दोस्तों, ये देखिए, मैं अभी ना अभी अभी जस्ट मैं नहा के आई हूँ, और बल्कि अभी ना मेरे बाल गीले ही हैं, लेकिन मुझे होते हैं खुले बालों में बहुत ही ज़्यादा एलर्जी। मतलब मैं कुछ काम करती हूँ तो बार बार आगे पीछे आते हैं, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। और इसी कारण, क्योंकि मेरे बाल सूखते नहीं है, इसी कारण ये बाल भी जो है फिर दो मुँह हो जाते हैं। तो चलिए, कोई बात नहीं, जब तक आपसे बातें कर रही हूँ तब तक शायद हो जाए। तो दोस्तों, आज जो है हमारे यहाँ मेहमान आने वाले हैं, और मेहमान कौन आने वाले हैं? मेरी ननंद, मतलब देवू की बुआ की बेटी है ना देवू। हाँ, तो वो भी यहीं रहते हैं, मतलब अगल बगल ही कहीं रहते हैं, तो आने वाले हैं। हमने उन्होंने फ़ोन किया था क्योंकि वो जा रखी थी असम, तो असम से आई है वो भी। और असम जो है उसकी सास जो है, मेरी ननंद की सास जो है वो फौज में है, तो उनकी ड्यूटी वहाँ है, तो वो अपनी सास के साथ असम में थी, लेकिन वहाँ से आ रखी है आजकल छुट्टी घर। तो मैंने उसको बुलाया है इधर, उसको और उसके पति को, तो शायद पता नहीं कब तक आएंगे, लेकिन आने वाले हैं। तो अभी मैं बना रही हूँ खाना। तो खाने में जो है मैं आज बनाऊँगी दाल, और मैंने जो है आलू ला रखे हैं, आलू तो वो है हमारे पहाड़ी आलू, तो उनके बनाऊँगी गुटके, और दाल रोटी सब्जी जो कुछ भी है। पर दोस्तों, पता है दिक्कत क्या है? दिक्कत तो ये है कि ये देखिए, यहाँ पे है ना उजाला कम है इस किचन में ना, तो ये आप देख ही सकते हो बहुत अंधेरा दिखता है यहाँ। तो इसे मैंने लगते दाल चढ़ा रखी है, इसे मैंने आलू चढ़ा रखे हैं, आलू हो गए हैं और दाल में भी टाइम है। तो पहले मैं जाऊँगी थोड़ा सा मार्केट, क्योंकि थोड़ा सा लेके आती हूँ दही और सलाद वगैरह, क्योंकि ना मैंने अभी देखा जस्ट फ्रिज में, तो फ्रिज में है ना सलाद वगैरह नहीं है, क्योंकि मैं खुद को खाती नहीं हूँ, खुद मुझे ऐसा लगता नहीं है सलाद नहीं है। लेकिन अब लेके आते हैं, कुछ ना कुछ तो चाहिए, मेहमान आ रहे हैं तो ना, अपने आप तो किसी टाइम ऐसा हो जाता है ना, चलो यार जैसा भी है वैसा ही खा लो, लेकिन थोड़ा अच्छा लगता है, तो चलते हैं। देखो महारानी को, ये ना नहारी है, वो भी पता नहीं शायद कितने दिन बाद है ना, परसों तो नहाई थी परसों का बनाई थी। और देखिए कितने कपड़े निकाल दिए इसने, लेकिन इसको ना कोई कपड़े पसंद नहीं आ रहे। ये देखिए, इतने सारे कपड़ों में कुछ कपड़े पसंद नहीं आ रहे। किसने डराया भूत से? इसको तो हमेशा भूत से ही डर लगता है। किसने बोला भूत बेटा? सच में क्या बोला? बड़े लुके खा। क्या बोला? हाँ, हाँ, जिसके दांत बड़े बड़े होते हैं। अच्छा, हाँ तो दोस्तों, प्याज टमाटर की कटिंग करते करते चलिए एक गाना हो जाए। ये आंखें देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं, ये आंखें देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं, इन्हें पाने की धुन में हर तमन्ना भूल जाते हैं, ये आंखें देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। तुम अपनी महकी जुल्फों के बेजों को कम कर दो, मुसाफिर इनमें घिर कर अपना रास्ता भूल जाता है, आँखें देख कर हम
सारी दुनिया बोल जाती है। तो दोस्तों ये देखिए मेरे गुटके जो है बन चुके हैं घर के आलू वाले गुटके, और ये मेरी ननद की जगह सरमारी है। तो ये लोग भी आ चुके हैं, मैंने जो है पानी वगैरह पिला दिया है, जस्ट आए हैं। तो बस मैं खाना बना रही थी तो किचन में आ गए मेरे। तो ये देखिए ये भी खा ले। कौन है? देखिए किस समय ना बुआ मोटे हो गए तो देखता फिर मैं क्या करेंगे। आप तेरी बुआ मोटी हो गई दोस्तों। मेरा खाना जो है एकदम से तैयार है, तो मैंने बना दिया है सब दाल चटनी सलाद सब्जी वगैरह वगैरह। तो अब मैं दे रही हूँ खाना, और शायद मैं आप लोगों को उन्हें ना दिखा पाऊँ क्योंकि वो हंसती हुई शर्मा रही है, तो शायद दिखा नहीं सकती हूँ, नहीं भी दिखा सकती हूँ। तो कोई नहीं, आप एडजस्ट कर लेना। वैसे भी थोड़ा मैंने एक झलक तो दिखाई दे दी उसकी। तो चलिए मैं खाना देती हूँ, खाना परोसती हूँ, इसके बाद मिलेंगे आपको। ठीक है, बाय बाय। प्लेस में दोस्तों अभी मिल रही हूँ मैं सीधे आपको शाम के 7 बजे से, और आप ना देखोगे तो मेरा ना पूरा किचन फैला पड़ा है क्योंकि नन जोरों के साथ ना बैठे रहे गप्पे लड़ाए, और अभी जो है थोड़ी देर पहले वो निकले हैं। तो अब चल करूँगी सबसे पहले किचन की सफाई, उसके बाद जो है खाना पीना भी बनाना है शाम का। तो आज ना बहुत ज़्यादा मुझे सर दर्द हो रहा है, ये आप देख सकते हो मेरे आँख ना, और मुझे बहुत ही ख़राब वाला सर दर्द होता है, मतलब आधे सिर वाला सर दर्द होता है मुझे, और पूरे इधर से ना बहुत दर्द कर रहा है। तो चलिए पहले काम निपटा लेते हैं। ये देखिए मेरा जो है पूरा किचन जो है फैला हुआ है, ये आप देख सकते हो, ये देखिए